कि जिस आंदोलन के चलते 2024 में जैसे उस वक्त इमरजेंसी वाला सरकार उखाड़ कर फेंका था, इस बार अघोषित इमरजेंसी वाला सरकार बिहार से आंदोलन शुरू होगा और ये मोदी सरकार इसको उखाड़ कर फेंक देंगे। और आज पिछले कई सालों में आरएसएस और बीजेपी के सामने लाचार तरीके से इन्होंने घुटने टेके हैं। मोदी जी, आप सबका साथ है, बिगर लोग का साथ है, किसान का साथ है, मजदूर लोग का साथ है, खेत मजदूर नौजवान का साथ है। बोलिए मोदी जी, आप किसका साथ है? देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए बीजेपी हटाना चाहिए, आरएसएस बीजेपी हटाना चाहिए। '74 में जयप्रकाश नारायण जी ने ये नारा दिया था और बिहार से ये जो जबरदस्त आंदोलन उठा उसने 3 साल के अंदर 1977 में जो तानाशाह सरकार थी जिन्होंने इमरजेंसी डाली थी पूरे देश में, इस सरकार को इस आंदोलन ने उखाड़ कर फेंक दिया। यह है इतिहास इस आंदोलन का। आज मैं आपको सभी को एक आह्वान करना चाहता हूं। आज इसका 48वीं सालगिरह है। 2024 में 5 जून को इसकी 50वीं सालगिरह होगी जयप्रकाश जी के संपूर्ण क्रांति के नारा की। और 2024 के अप्रैल और मई में लोकसभा के आने वाले चुनाव आने वाले हैं। मैं आप सभी को आह्वान करना चाहता हूं, आज इस किस्म के बिहार की भूमि से एक जबरदस्त आंदोलन का हम ऐलान करें कि जिस आंदोलन के चलते 2024 में जैसे उस वक्त इमरजेंसी वाला सरकार उखाड़ कर फेंका था, इस बार अघोषित इमरजेंसी वाला सरकार बिहार से आंदोलन शुरू होगा और ये मोदी सरकार इसको उखाड़ कर फेंक देंगे। इसका शुरुआत आज इस पूरे महागठबंधन के महासम्मेलन से हम करेंगे। साथियों, आज जब मैं यहां आया और एक इतिहास का पन्ना मुझे याद आया और वो पन्ना था 1990 का, जिस वक्त सांप्रदायिक रथ यात्रा आडवाणी जी ने शुरू की, कई राज्यों में वो घूमी और बिहार में आकर यहां आई। और उस वक्त ये इतिहास में लिखा जाएगा, उस वक्त इस देश में एक ही मुख्यमंत्री था जिसके अंदर हिम्मत थी आडवाणी जी की रथ यात्रा को रोक दिया, उनको गिरफ्तार किया, और वो मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव जी। इसके लिए आज मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। वो इतिहास में लिखा जाएगा भारत के, बिहार में इस सांप्रदायिक रथ यात्रा को रोका गया। और एक बात है, उसके बाद भी जो गिने चुने राजनीतिक पार्टियां हैं इस देश की जिन्होंने सांप्रदायिकता के साथ कभी भी समझौता नहीं किया, कभी भी समझौता नहीं किया, वो सभी पार्टियां आज इस महासम्मेलन में एक साथ आई है। सभी वामपंथी पार्टियां हैं, राजद है, जिसने पिछले कई भी सालों में सांप्रदायिकता के साथ, फासीवाद के साथ कभी भी समझौता नहीं किया, उसके साथ झगड़ते रहे। ये है बात। और उसका उल्टा क्या हो रहा है, उसका उल्टा देखिए।
नीतीश कुमार जी बोल रहे थे पहले राम मनोहर लोहिया के भक्त, और आज पिछले कई सालों में आरएसएस और बीजेपी के सामने लाचार तरीके से इन्होंने घुटने टेके हैं। यह है हमारा पहला आरोप ये नीतीश कुमार के ऊपर कि आज पूरे अवसरवाद के ऊपर आज बह गए। पिछले बार राजद के साथ चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री बने और फिर पूरी तरीके से आज ये करके फिर से बीजेपी आरएसएस के वहां चले गए। ये अवसरवादी, इनके खिलाफ भी आज हमारा संघर्ष और ज्यादा ताकत के साथ हमको आज लाना पड़ेगा। साथियों, आपका जो रिपोर्ट कार्ड है हमने देखा, बिहार की क्या हालत बना के रखी है डेढ़ दशक के इनके मुख्यमंत्री के अंदर। हमने देखा भारत की प्रति व्यक्ति आय आज है 94,566 और बिहार की कितनी है, एक तिहाई भी नहीं, 30,621 सिर्फ। ये आज बिहार की हालत है नीतीश कुमार जी के पूरी हुकूमत के नीचे। मानव विकास सूचकांक में बिहार का नंबर एकदम लास्ट में गया, 36 नंबर पूरे देश में। महिला असमानता सूचकांक में बिहार का नंबर 24वां पूरे देश में। ये हम देखते हैं, यहां जिक्र हुआ गरीबी और कुपोषण पूरे देश में सबसे ज्यादा 13 करोड़ की आबादी है बिहार की, और उसके अंदर 6.5 करोड़ से ज्यादा आज गरीबी रेखा के नीचे है, कुपोषण के शिकार है 52%। पूरे देश में ऐसी पोजीशन नहीं होगी जो नीतीश कुमार के सरकार ने बनाई। ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। किसानों के बारे में 2006 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के साथ गठबंधन था, पूरे देश में कहीं नहीं हुआ, ये उन्होंने बिहार में किया। पूरी मंडी की सिस्टम इन्होंने खत्म कर डाली, और ये मंडी खत्म करने का नतीजा क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, आज धान का एमएसपी 1940 रुपया और बिहार के धान के किसान को कितना मिलता है, 1,200 रुपया मिलता है। पिछले बार ये किसान आंदोलन में मैं पटना के रैली में आया था, किसानों को पूछा कितना मिलता है धान के लिए, किसान मुझे बोले 800,000 रुपया क्विंटल के पीछे मिलता है। वही बात गेहूं की भी है। तो ये मंडी खत्म करने का नतीजा ये हुआ कि आज एमएसपी भी आज हमारे बिहार के किसानों को नहीं मिल रहा। ये सब बातें हमको ध्यान में रखने चाहिए। और आज देश में क्या हो रहा है, आज देश में जो हो रहा है, मोदी जी 8 साल, अभी 26 मई को उन्होंने पूरी तरीके से 8 साल बहुत कुछ हमने तीर मारे बोल रहे, लेकिन क्या है, गरीबी की परिस्थिति देखिए, 2019 में 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, 2020 में 13.5 करोड़ लोग हो गए, और उसके बाद आज पूरे 2021 में 20 करोड़ के ऊपर आज गरीबी रेखा के नीचे पूरे देश में चले गए मोदी के राज में। भूख के बारे में क्या है, एक बड़ा सर्वे किया पूरा अंतर्राष्ट्रीय, 116 देशों में से आज भारत का नंबर 101 पर चला गया। पूरे भूख के नीचे आज भारत के अंदर कुपोषण और भूख ये चल रही है। बेरोजगारी का क्या है, मोदी जी जब आए 2013 में 44 करोड़ लोग काम पर थे भारत के अंदर, 44 करोड़। इन्होंने क्या बोला था, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 8 साल में कितने होने चाहिए थी, 16 करोड़, और फिर कितना लोग काम पर होना चाहिए था 2022 में, 60 करोड़, अभी कितना है, सिर्फ 38 करोड़ आज नौकरी पर है, 44 करोड़ से
60 करोड़ तो छोड़िए, लेकिन 38 करोड़ अभी आ गया, यह है बात। और सांप्रदायिकता की बात तो सबसे बुरी, पूरा बांटो और राज करो। ब्रिटिशों का ये जो पूरा उनका रवैया था, ये आज मोदी सरकार और नीतीश सरकार ये इसको पूरी तरीके से अपना रही है। इसके खिलाफ में हमारा आज काम है। आखिर में साथियों, दो तीन बातें एकदम शॉर्ट में कहूंगा। आज देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था संविधान को रखते वक्त, उन्होंने कहा आज ये संविधान को हम स्वीकार रहे हैं, लेकिन एक अंतर विरोध के युग में हम प्रवेश कर रहे हैं। राजनैतिक समानता हमने दी है इस संविधान के तहत, लेकिन आर्थिक समानता नहीं दी, सामाजिक समानता नहीं दी, और ये अगर हम नहीं देंगे तो बहुत बड़ा इसका बुरा असर होगा, ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था। आज आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता पूरे देश भर में बढ़ रही है, बिहार में भी बढ़ रही है। शहीद भगत सिंह ने कहा था, और उन्होंने फांसी जाने यूं ही उलझती रही, यूं ही हमेशा उलझती रही जुल्म से खल्क, खल्क यानी जनता, यूं ही हमेशा उलझती रही जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नहीं है न अपनी रीत नहीं। और उसके बाद में उन्होंने जो लिखा वो सुनिए, फैज अहमद फैज साहब बोलते हैं, यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं, ये बात है। चलिए हम जीत की तरफ बढ़े और इसके तरफ एक जबरदस्त महागठबंधन को और ज्यादा एकता के साथ और ज्यादा संघर्ष के साथ जोड़कर हम आगे पूरे देश को, जैसे जयप्रकाश जी ने रास्ता दिखाया था, वैसे बिहार की जनता पूरे देश को रास्ता दिखाए, ये आह्वान करते हुए मैं मेरे चंद शब्द पूरे करता हूं। क्रांति कैसे आ सकता, क्रांतिकारी नहीं आएगा, हम लड़ाई करना, जनता का अधिकार चाहिए, हम लड़ाई करना, ये लड़ाई का हमारा जनता एक साथ आना चाहिए, बिहार का सामने, देश का सामने बहुत सवाल है। बिहार हमारा देश का अंदर धनी धरती है, मगर बिहार में गरीब बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, ये क्यों बिहार में ये प्रॉब्लम्स क्यों? आप तमिलनाडु जाना चाहिए, केरल जाना चाहिए, उधर हंड्रेड्स ऑफ बिहारी यंग पीपल, बिहारी नौजवान लोग जॉब के लिए उधर जा रहा, क्यों? ये कारण क्या है? बिहार में अभी नया राजनीति चाहिए, अर्थनीति चाहिए, उसका लड़ना पड़ेगा। आप तैयार हैं? ये बोलो तेजस्वी हमारा प्यारा यंग लीडर है, तेजस्वी का साथ सीपीआई इधर है, सीपीआई एम इधर है, सीपीआई एमएल दिवंगर इधर है, तो वामपंथी पूरा तेजस्वी का साथ है। क्यों बिहार में यह नया राजनीति, नया अर्थनीति चाहिए? देश के बारे में हम सोचना पड़ेगा, देश के सामने बहुत सवाल है।
हमारा देश में प्रधानमंत्री, उसका नाम मालूम है? नरेंद्र मोदी, ये देश का प्रधानमंत्री, ये बोल रहा हूं 8 साल हो गया बीजेपी सरकार में आया, 8 साल हो गया, सब अच्छा जा रहा है, कुछ नहीं है, सेम के लिए अच्छा, बहुत अच्छा है। नाउ आई एम आस्किंग मिस्टर मोदी, व्हेन यू केम फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट डिड यू से? क्या बोला मोदी? अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा। हम पूछ रहा, अच्छा दिन आ गया आपको? अच्छा दिन आ गया? बुरा दिन, अच्छा दिन मोदी जी, ये लोग को आंसर दो, जवाब दो, कहाँ है अच्छा दिन, कहाँ है अच्छा दिन? मोदी बोला सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, अभी सबका प्रयास। मोदी जी आप सबका साथ है, बिगड़ लोग का साथ है, किसान का साथ है, मजदूर लोग का साथ है, खेत मजदूर नौजवान का साथ है। बोलिए मोदी जी आप किसका साथ है? हम बोल रहा मोदी सरकार बीजेपी सिर्फ पूंजीवादी का साथ है। हिंदुस्तान का अंदर ये कंपटीशन चल रहा है, आपका मालूम है ये कंपटीशन क्या? कौन है बिगर रिच मैन, पूंजीवादी, बड़ा पूंजीवादी कौन है? अंबानी या अडानी? अंबानी या अडानी? ये मोदी सरकार अंबानी अडानी ये लोग का साथ है, गरीब लोग का साथ नहीं है। मोदी सरकार का हाथ नहीं थी नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज आई बीन क्रिएटिंग आर क्रिएटेड अनप्रेसिडेंटेड इनइक्वालिटीज इन द कंट्री, रिच पुअर डिवाइड, रिच पुअर डिवाइड, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, हंगर, टेक एनीथिंग, इंडिया इज रैंक एट द लो लेवल, इवन लोअर देन बांग्लादेश एंड अदर कंट्रीज। हू शुड बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल? मिस्टर मोदी एंड हिज गवर्नमेंट मस्ट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल। When people are fighting for bread, butter, BJP, RSS क्या करता है? BJP, RSS people divide होना चाहिए, इसके लिए काम कर रहा है। Religion पर, caste पर, ये लोग का बहुत डिविजन करता है बीजेपी आरएसएस। हमारा देश सब लोग का देश है। डॉक्टर अंबेडकर हमको संविधान दिया, ये संविधान क्या बोलता है? ओपनिंग लाइन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ओपनिंग लाइन, वी द पीपल, उसका मतलब क्या है? हम सब ये देश का जनता है, वी द पीपल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वी द हिंदूज नहीं बोलता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वी द मुस्लिम्स, वी द क्रिश्चियंस, वी द बुद्धिस्ट, नो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज सिर्फ कैटेगोरिकली सेज we the people। Abhi RSS doesn't agree with that। RSS bolta hai hindustan mein
हिंदुत्व राज आना चाहिए, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, माइनॉरिटीज, ये विदेशी लोग हैं, उसका अधिकार नहीं है। सब हिंदुवाइज करना पड़ेगा, उसका मतलब क्या है? वर्ण धर्म चतुर्वर्ण इंडिया में परमानेंट होना चाहिए, ये आरएसएस बोलता है। ब्राह्मण ब्राह्मण है, दलित आदिवासी लोग दलित है, आदिवासी लोग है, कहाँ है इक्वालिटी? कहाँ है इक्वालिटी? अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सब लोग का चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, सबको चाहिए। कहाँ ये सोशल जस्टिस, कहाँ ये पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस? मोदी साहब जवाब देने के लिए तैयार है? इसलिए हम बोल रहा, देश बचाना चाहिए, संविधान बचाना चाहिए। देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए बीजेपी हटाना चाहिए, आरएसएस बीजेपी हटाना चाहिए, मोदी जी हटाना चाहिए। यह बिहार में आज का सरकार बीजेपी कंट्रोल सरकार है। नीतीश भाई शुड अंडरस्टैंड, उसका सरकार नीतीश का सरकार नहीं है, यह बीजेपी का सरकार है। यह सरकार हटाना चाहिए बिहार में। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, इंडिया शुड बी सेव्ड, कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी सेव्ड, कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी सेव्ड, फॉर विच बीजेपी आरएसएस मस्ट बी डिफीटेड। आई एम हैप्पी टू सी टुडे द लेफ्ट पार्टीज एंड आरजेडी आर टुगेदर फाइटिंग फॉर सोशल जस्टिस, बट वी नीड सच एन एफर्ट एट नेशनल लेवल। वी आर अपीलिंग टू ऑल सेक्युलर डेमोक्रेटिक पार्टीज टू कम टुगेदर, work together, fight together and defeat BJP RSS. Then only we can save India. Then only we can save constitution. This is what we have been saying. And all the regional parties, all the centralist parties must take some lesson from Tejasvi and RJD. They may not take left of center position, but they should not take right of center position. This should be lesson for all secular democratic parties. We all should come together, work together, fight together. This is the way, comrades. Krantikari ka rasta kya hai? Kranti ka rasta, sampurna kranti ka rasta. हम सब लोग का यूनाइट करना चाहिए, मजदूर, किसान, खेत मजदूर, पिछड़े, ओबीसी, दलित, आदिवासी, सब लोग का यूनाइट करना चाहिए। हमारा लोग एक साथ आना चाहिए, लड़ना चाहिए। हम क्यों लड़ रहा हूं? जीना के लिए हम लड़ रहा हूं, लड़ना के लिए हम जीना चाहिए। इसलिए सब जगह में हमारा लीडर्स बोल रहा है, जीना के लिए लड़ो, लड़ना के लिए जियो, लड़ते लड़ते आगे बढ़ो। दिस इज दी व्हाट टुडे वी शुड
डू. अभी माय वेरी क्लोज कॉमरेड टीचर फॉर इंडियन पार्लियामेंट मनोज झा वाज़ टेलिंग मी ऑन ऑगस्ट 7 वी आर गिविंग ए कॉल टू हैव अ बिग स्ट्रगल at district level against price rise, unemployment and all such problems. I am extremely happy. I told him our party fully supports that call and we will all be together in that common struggle and we will move forward unitedly. So friends, comrades, this is the time the country is looking for us and we must save our nation India, our beloved nation. We must save the nation, we must save the constitution, we must save democracy, for which we all will have to work together, fight together. Let us come together, unite together, fight together. So comrades, aap sab log ko नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं. नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.